मैं कराची से आया हूँ और अभी अभी हमें आए हुए एक्चुअली 2 दिन ही हुए हैं। आज हमारा आप समझ लें कि पूरा 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 है। पाकिस्तानी जो है ना वो इस वक्त जो है वो इकोनॉमिकली जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात में है। दायरे बाइंग पावर बिल्कुल भी लो हो गई, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इसकी वजह से किसी के पास इतनी बचत नहीं है कि वो जो है ना आके इस चीज़ को। इस वक्त मेरे साथ मेहमान टूरिस्ट मौजूद है, हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम अरसलान है, आप कैसे खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कराची से आया हूँ और अभी अभी हमें आए हुए एक्चुअली 2 दिन ही हुए हैं। आज हमारा आप समझ लें कि सेकेंड डे है, थर्ड डे कह लें आप, थर्ड डे हमारा। आपका तीसरा दिन है? जी जी बिल्कुल। तो इन 3 दिनों में आपको किस चीज़ ने मुतासर किया? अभी बेसिकली वैसे तो ओवरऑल बहुत खूबसूरत है इसकर दूँ, बट जो है ना अभी तो हमने सिर्फ मंडो का वाटरफॉल देखा जो कि इंतहाई खूबसूरत था, और इत्तेफाक से हमारा जो है वो ट्री हाउस में वहाँ पे हमारा रहना हुआ, तो वो भी एक बहुत ज़बरदस्त जगह है। अच्छा, आप क्या समझते हैं यहाँ जी भी बेगवाड़े इलाका है, डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ के लिए क्या होनी चाहिए? यहाँ पे एक चीज़ तो ऑलरेडी है कि यहाँ पे रिजॉर्ट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो बन गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेशली कुछ और चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती हैं, जैसे एक मेजर चीज़ है अट्रैक्शन की टूरिस्ट की होती है, चेयरलिफ्ट वगैरह होती हैं, कि उस पर काफ़ी सारा जो है ना हम एक व्यू मिल जाता है एक ऊपर से जाके ना हमें, तो एक ये चीज़ हमारे हिसाब से जो ना होनी चाहिए। जी बेहतर। ये इस साल मैं देख रहा हूँ ये टूरिस्ट की तादाद कुछ कम हुई है, ये सरकारी आदाद शुमार भी इस तनाजुर में देखते हैं इसे? इसमें बेसिकली मेन ही रीज़न इसमें यही है कि पूरा आपको पता है कि पूरा पूरा पाकिस्तानी जो है ना वो इस वक्त जो है वो इकोनॉमिकली जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बुरे हालात में है, तो जो सबके दायरे बाइंग पावर बिल्कुल भी लो हो गई, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, इसकी वजह से किसी के पास इतनी बचत नहीं है कि वो जो है ना आके इस चीज़ को अफोर्ड कर सके, तो मेजर रीज़न जो है ना वन ऑफ द यही है कि जो है ना आप वो टूरिज्म का नहीं आने का। और दूसरा ये भी है कि थोड़े से मैं देख रहा हूँ कि स्कर्दू में ना कंपैरेटिवली रेट्स जो हैं वो हाई हैं, आप रिजॉर्ट्स और इनकी अगर बात कर लेना तो इस पर भी अगर देखें कि थोड़ा सा इसको कंसिडर करें, यहाँ के जो मालिकान रिजॉर्ट्स के केस में थोड़ी सी जो है ना कुछ कमी पेशी करें। जी, इनका कहना है कि यहाँ पर जो मालिकान है रिजॉर्ट्स के होटलों के, यहाँ के किराए कुछ ज़्यादा है, शायद इस साल कुछ टूरिस्ट की कमी वाका हुई है। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो देखने से पहले आप GB True News HD चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें।